दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा क्या होता है लोगों में वेट गेन नहीं होता है, वेट लॉस होने लगती है। खाने खाने का जो खाना खाने की शक्ति होती है वो मर जाती है, इच्छा नहीं करता खाना खाने का। दोस्तों, उस पर हम बात करेंगे क्या होता है, टेस्ट नहीं मिलता खाने में, तो उस चीज़ पर बात करूँगा। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि वीडियो आपसे तक पहुँच सके। दोस्तों, आज बात करूंगा इस वीडियो में मैं एप्टिमस सिरप के बारे में। एप्टिमस सिरप होता क्या है, उसके साइड इफेक्ट क्या होते हैं, डोज क्या होता है, डायरेक्शन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, उस पर बात करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एप्टिमस सिरप जो होता है दोस्तों, वो मैनकाइंड फार्मा बनाती है। मैनकाइंड फार्मा जो कि एक पेटेंट ब्रांड कंपनी है। दोस्तों, एप्टिमस सिरप जो होता है, इसकी MRP भी बात करें तो MRP जो इसकी है दोस्तों 129 रुपी है इसकी MRP, जो कि 200 ml की क्वांटिटी में आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगर मार्केट में आप जाएंगे किसी शॉप, मेडिकल स्टोर पे या मेडिकल शॉप पे, तो अगर आप एप्टिमस सिरप के नाम से, अगर एप्टिमस नाम से बात करेंगे तो आपको इजिली वो प्रोवाइड करा देंगे। दोस्तों, एप्टिमस सिरप के कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें क्या होता है, जैसे साल्ट में बात करें तो इसमें सिप्रोहेप्टाडिन पाए जाते हैं। दोस्तों, सिप्रोहेप्टाडिन होता है 2 mg में होता है, प्लस दोस्तों सॉर्बिटॉल पाए जाते हैं। सॉर्बिटॉल जो होता है दोस्तों वो 2 ग्राम होता है, प्लस ट्राइकोलिन सिट्रेट होता है। ट्राइकोलिन सिट्रेट की क्वांटिटी बात करें दोस्तों तो वो 275 mg पर 5 ml में पाए जाते हैं। दोस्तों ये क्या करता है, एप्टिमस सिरप क्या होता है, जब हमें भूख नहीं लगती है, जैसे कि जब लेते हैं हम तो भूख नहीं लगती है, तो ये क्या करता है, एप्टिमस सिरप क्या करता है, हमारे भूख को स्टिमुलेट करता है, मतलब भूख की इच्छा को काफ़ी ग्रोथ करता है, जिससे क्या लगता है, इसके लेने के बाद हमें भूख लगना शुरू हो जाता है। दोस्तों क्या होता है, जब हमें खाने में टेस्ट नहीं मिलता है, क्या होता है, इसकी सबसे अच्छी ये चीज़ है, जैसे कि टेस्ट नहीं मिलता खाने के लिए, तो ये इसमें टेस्ट को काफ़ी इम्प्रूव कर देता है, जैसे कि आपको खाने की इच्छा बढ़ जाती है, खाने की जो शक्ति होती है, क्षमता होती है जो बढ़ जाती है, और आपको भोजन करने में, खाने में टेस्ट मिलते रहते हैं, आपको टेस्टलेस नहीं होता। दोस्तों ये क्या होता है, इसमें क्या होता है, एंटीहिस्टामिन प्रॉपर्टी भी पाई जाती है, जैसे कि आपको सिडेशन कॉज भी कर सकता है, जैसे कि वाटरीज आइज या एलर्जी कंडीशन है, तो इसमें भी आपका फ़ायदा करता है। दोस्तों ये क्या करता है, जैसे कि ये आप जब इसको लेते हैं तो इसमें क्या होता है कि आपको भूख बढ़ने लगती है, और क्या होता है, नींद आना भी, इससे नींद भी आती है काफ़ी, तो इस तरह का ये है। और दोस्तों ये बात करें, ये काम कैसे करता है एप्टिमस सिरप जो है दोस्तों, ये क्या करता है, सेरोटोनिन जो एक हार्मोन है जो कि हमारे बॉडी में पाया जाता है, उसको क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है। ये सेरोटोनिन हार्मोन का काम क्या है दोस्तों, इसका काम जो होता है, ये जो भूख है, स्टिमुलेंट भूख है, जो भूख की क्षमता होती है, इसको सप्रेस कर देता है जब ये ज़्यादा बॉडी में हो जाते हैं। तो ये एप्टिमस सिरप होता है, ये इसको सेरोटोनिन को ब्लॉक कर देता है, जिससे क्या होते हैं, हमारी भूख की क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है, और हमें भूख लगना पसंद हो जाता है, और खाना खाने की इच्छा भी ज़्यादा हो जाती है, जिससे हमारे बॉडी गेन होने लगते हैं डे बाई डे। दोस्तों बात करें इसमें, इसकी क्या बात करें दोस्तों, आपके जैसे लीवर में प्रॉब्लम है, तो लीवर को भी ये इम्प्रूव कर देता है, जिससे कि आपका लीवर दुरुस्त हो जाता, सही हो जाता है। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके डोज के बारे में, डोज क्या है। डोज में दोस्तों, इसमें एडल्ट की बात करें तो इसको सुबह शाम ले सकते हैं, 10 ml सुबह शाम ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा नींद आने लगती है तो आप इसको स्टॉप करके केवल शाम के टाइम लें, और दोस्तों इसको खाना खाने से 1 या 2 घंटे पहले लें इसको, ताकि अच्छे से काम करें। और सावधानियां की बात करें दोस्तों, इसमें सावधानियां क्या हैं, सावधानियां दोस्तों जैसे कि 1 ईयर कम या एडल्ट जैसे 18 ईयर से कम लोग हैं, तो उनको देने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह ले लें दोस्तों, और जैसे कि पेप्टिक अल्सर है या ग्लोकोमा है तो भी उसमें डॉक्टर की सलाह लें, खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें। दोस्तों बात करें इसकी साइड इफ़ेक्ट के बारे में, साइड इफ़ेक्ट क्या होता है दोस्तों, डिजनेस हो जाते हैं, जैसे कि चक्कर आना हो गया, सिडेशन कॉज कर देता है, जैसे कि नींद आना हो गया दोस्तों, ब्लर विजन हो जाता है, जैसे कि आपसे धुंधला दिखना, वर्टिगो होना, ये चीज़ें दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट हैं। दोस्तों अगर इस मेडिसिन को लेते हैं आप, तो जैसे कि सिडेशन वाली ऐसी मेडिसिन या अल्कोहलिक चीज़ें ना लें, जिससे अगर ये चीज़ आप लेते हैं तो क्या करता है कि सिडेशन ज़्यादा कॉज करने लगता है।